चंदनक्यारी प्रखंड के मानपुर गांव के युवक नितेश बावड़ी का उड़ीसा में मौत होने पर नेता प्रतिपक्ष चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावड़ी की पहल पर एवं एम्बुलेंस कराकर शव को घर पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि 5 महीना पहले युवक नितेश बावड़ी चेन्नई रोजगार करने के लिए गया था। ट्रेन में घर आने के दौरान उड़ीसा में अप्रेंटिस ब्लास्टिंग होने पर उड़ीसा के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर झारखंड सरकार के पूर्व सीएम सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के खाते में 25,000 रुपया भेज दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सारे सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। शव पहुंचने के बाद पंचायत के मुखिया राजेश ठाकुर घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया एवं बाकी विधि व्यवस्था कर दी। नितेश बावड़ी परिवार में रोजगार करने वाले एकमात्र युवक थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्या हुआ? मेरा साला का डेथ कर गया। क्या नाम था? नितेश बावड़ी। कहाँ काम करते? चेन्नई में। हम उसका जीजाजी हैं। अच्छा, क्या हुआ था? वो काम पर गया था और उसके बाद अचानक का हुआ, डेथ कर गया। उसके बाद? उसके बाद अभी लाश लाने के लिए गया था तो उसके बाद पैसा वैसा नहीं था। अमर बावड़ी बोला कि उसका सब कुछ हम कर देंगे, तो अमर बावड़ी सब कुछ दिया। उसके बाद एम्बुलेंस में लाश लेकर आया। ये चेन्नई काम करने के लिए गया था और अचानक उनका जो ट्रेन में आते आते उनका जो अप्रेंटिक्स है वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें से एमकेजी उड़ीसा में वो भर्ती था और ये गरीब परिवार से बिलोंग करता है, काफ़ी गरीब है। ठीक है, कुछ दिन पहले इनका बाप पिताजी भी डेथ कर गए। कमाने वाला यही घर का एक सदस्य था जो पूरा परिवार को चलाता था। तो हम ये डीसी साहब से गुहार करते हैं कि इनका सारा उन्हें कुछ उनको मुआवजा मिले और ये अमरदा जो है हमारे विधायक जी इनके द्वारा ही सारा प्रक्रिया हुआ और उनके अनुसार ही यहाँ से सीधा जो उड़ीसा में वो राज्यपाल से बात करके इनकी सारी जो गरीब का जो है ये सारा काम श्रेय जो है ये अमरदा के जाता है। इस तरह का घटना में जो है डेड बॉडी को उन्हीं के ऊपर लाया गया। हाँ, उन्हीं के बात पर वो डायरेक्ट वहाँ पर हमारे जो राज्यपाल जी से बात करके उनका पूरा डेड बॉडी का पूरा प्रक्रिया अमरदा के द्वारा ही यहाँ पर पहुँचाया।